सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी स्वीप जनरेटर, जिसको टाइम बेस्ड जनरेटर भी कहा जाता है. सीआरओ का पार्ट है, मैंने पहले भी बताया हुआ है. सो हम इसके बारे में थोड़ा सा आज पढ़ेंगे. ठीक है, कि जो टाइम बेस्ड जनरेटर है, मैंने बताया था ना, जो रैंप वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, वो जो आप लोग पढ़ते थे ट्रिगर सर्किट के आगे लगा होता था हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के पीछे, मतलब नीचे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम का पार्ट था. तो ये वही वाला टाइम बेस्ड जनरेटर है जो हम लोग आज पढ़ेंगे. सो बेसिकली होता क्या है, ये एक लीनियर आउटपुट को प्रोड्यूस करता है. कब? जब इसके पास लीनियर इनपुट आती है. यहाँ पे इनपुट है, ठीक है, ये चीज करेक्ट कर लेना. यहाँ पे इनपुट है, ये क्या करता है, लीनियर ठीक है, आउटपुट ही है. कैसे प्रोड्यूस करता है? सपोज इसके पास जो करंट आई है ना, वो क्या आई है, लीनियर करंट आई है. सो इसने क्या कर दिया, जो आउटपुट जो वोल्टेज भी होगी ना, उसको उसकी जो वोल्टेज को भी ये आउटपुट जो होगा वो देगा कौन सी, लीनियर. ये भी मैं ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करके बताती हूँ कैसे दिखा, कैसे हम देख सकते हैं कि लीनियर आ रही है. सो बेसिकली यूज कहाँ होता है, जैसे कि सीआरओ में हमने देखा, सीआरओ में कहाँ यूज हो रहा है, ट्रिगर सर्किट और एम्पलीफायर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के बीच भी यूज हो रहा है. सो लाइक इन सीआरओ, टू स्वीप इलेक्ट्रॉन बीम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जो सीआरटी में इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होती है ना, उसको लेफ्ट टू राइट क्या कर पाए, हमने स्वीप कराना है, मूवमेंट करानी है, तो उसको बोलेंगे हम टाइम बेस्ड जनरेटर या फिर हमारा स्वीप जनरेटर. इट इज यूज इन टीवी रिसीवर्स. सो ये यूज होता है हमारे टीवी रिसीवर्स में, जो हमारे पहले मोस्टली आप लोग देखोगे जो पुराने टाइम के टीवी होते थे, उसमें एक ट्यूब टाइप लगा होता था, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सीआरटी ट्यूब जैसे ही काम करता था, और उसके अंदर हमारे पास स्वीप जनरेटर लगे होते थे. तो बेसिकली वो यूज होते थे हमारे टीवी रिसीवर्स में, जहाँ पे सिग्नल को रिसीव करना होता था, बेसिकली काम होता था सिग्नल को रिसीव करना. सो अब आप ये देखो होता क्या है. सपोज ये कोई ग्राफ है आपका टाइम वर्सेस आउटपुट वोल्टेज का, इस तरीके से ग्राफ है. सो अब आपने क्या किया, अब आपने यहाँ पे वोल्टेज दी है. सपोज आपने दिया है कि यहाँ पे ए पॉइंट से, आप ए पॉइंट से स्टार्ट करो, हमने इसको एक लीनियर वोल्टेज दिया, लीनियर वोल्टेज दिया है, और ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया विद टाइम. ठीक है, लीनियर वोल्टेज दी है, इट इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद द टाइम अप टू मैक्सिमम वैल्यू. इसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी, वहां तक ये बढ़ता ही जाएगा. सो लेट्स से इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक ही है, हमने यहाँ तक रखा है सिग्नल को. तो लेट्स से इसकी यहाँ तक जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है Vm, कुछ Vm इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वोल्ट, मतलब ये इसकी कुछ मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू है, यहाँ तक आ रही है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से पॉइंट जो ए टू, हम यहाँ ए से बी पॉइंट एक मार्क कर देते हैं. ठीक है, ये ए टू बी जो पॉइंट है, यहाँ तक हम मार्क कर देते हैं कि ये लीनियरली इंक्रीज हुआ. सो इतना ये जो डॉटेड लाइन है, यहाँ तक इसको हमने कवर कर दिया. तो ये जो ये टाइम है ना, ए से बी तक इंक्रीज होने का सिग्नल के, इस टाइम को हम बोलते हैं स्वीप टाइम. ठीक है, ये जो टाइम है सिग्नल को, सिग्नल के इंक्रीज होने का, सॉरी, ये वोल्टेज जो इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस पूरे टाइम पीरियड को हम बोलते हैं टीएस, जिसका मतलब है स्वीप टाइम. ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जो सिग्नल है ना, अपने पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो हो, वो सिग्नल क्या करेगा, डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा. देन इट डिक्रीज मींस उसका जो वोल्टेज है वो वापिस से कम होने शुरू हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इस वापिस आने वाले टाइम को हम बोलते हैं रेस्टोरेशन टाइम, जिसको हम डिनोट करते हैं टी आर से. ठीक है, अगेन जो क्या होगा, इसमें फिर कुछ इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वोल्टेज इंक्रीज होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. तो ये हो गया वापिस हमारा स्वीप टाइम. तो तभी हमारे पास क्या बनती है, सॉटूथ वेव फॉर्म. ये थोड़ा सा ना ऐसे यहाँ पे बिल्कुल पॉइंटेड फॉर्म है, तो ये थोड़ा सा कर्व बन गया, ये ध्यान रखना. तो इस तरीके से क्या बनती है हमारी, एक सॉटूथ वेव फॉर्म बनती है. मैंने बताया था ना कि स्वीप जनरेटर हमारा सॉटूथ वेव फॉर्म को जनरेट करता है, और उसके बहुत सारे नाम है, मतलब स्वीप जनरेटर, टाइम बेस्ड जनरेटर.
एक दो रैंप वेव फॉर्म जनरेटर भी बोलते हैं उसको मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जो रैंप हमारी वो आप लोगों ने देखा होगा सिग्नल्स में, जो रैंप सिग्नल होता है वो हमारा लीनियर सिग्नल होता है इस तरीके से, मतलब उसको जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इस तरीके से इनफिनाइट होता है, ठीक है। सो टोटल टाइम टी हमारे पास हो जाएगा, जो स्वीप टाइम और रेस्टोरेशन टाइम है ना उसको हम एड अप कर देंगे, तो हमारे पास एक मतलब एक लूप आ जाएगा पूरा, जो हम काउंट करेंगे एज अ टी मींस टोटल टाइम। तो ये हो गया हमारा स्वीप जनरेटर का पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कैसे उसका सिग्नल जो है हम लोगों को दिखता है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्वीप सर्किट, टाइप्स ऑफ स्वीप सर्किट कौन कौन से होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फ्री रनिंग टाइम बेस्ड जनरेटर, ठीक है। फ्री रनिंग टाइम बेस्ड जनरेटर में बेसिकली होता क्या है, इसमें टाइम बेस्ड वेवफॉर्म जनरेट होती है बाय द डिवाइस किसी और डिवाइस से, बट ट्रिगर नहीं करते हैं इसमें। मतलब इस टाइप ऑफ जनरेटर में जो ये वाला स्वीप जनरेटर है या ये वाला टाइम बेस्ड जनरेटर है, इसमें क्या करते हैं मींस डायरेक्टली वेवफॉर्म को जनरेट किया जाता है, इसको ट्रिगर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वेवफॉर्म प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हमने सीआरओ में देखा था, वहां पर ट्रिगर करने की जरूरत थी हम लोगों को, क्यों जरूरत थी, ताकि दोनों सिग्नल्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एट अ टाइम रिफ्लेक्ट हों अपनी अपनी प्लेट से। बट यहाँ पे हमारे पास हमको फ्री मतलब रनिंग होनी है, मींस कोई भी ट्रिगर की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली विदाउट ट्रिगर ही अपनी वेवफॉर्म प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है। The other one is triggered time based generator. Means यहाँ पे सर्किट को, नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे सर्किट को जरूरत है ट्रिगर होने की। It requires trigger signal which may be a square waveform, may be a pulse waveform. अच्छा ये भी चीज याद रखनी है, जो ट्रिगर मतलब सर्किट है ना, अगर मतलब वो स्पेशल वेवफॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है, वो कौन सी फॉर्म में हो सकती है, एक स्क्वायर वेवफॉर्म भी हो सकती है या फिर कोई एक पल्स भी हो सकती है, स्पाइक्स भी हो सकती हैं एक वेवफॉर्म के, ठीक है, ये चीज याद रखना। देन अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ जनरेटिंग टाइम बेस्ड वेवफॉर्म की, कौन कौन से मेथड है, टोटल चार मेथड है वेवफॉर्म टाइम बेस्ड वेवफॉर्म को जनरेट करने के लिए। सबसे पहला आता है एक्सपोनेंशियल चार्जिंग, तो हम लोगों को डीप बिल्कुल नहीं पढ़ना है, द पॉइंट विच आई रिटन ओवर हियर आप लोगों को यही लिखना है विद एन एग्जाम्पल, उसके बाद इसी से रिलेटेड ये सब चीजें अगर पूछी जाती है तो ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। सो एक्सपोनेंशियल चार्जिंग में क्या होता है कि द कैपेसिटर चार्ज थ्रू द रेजिस्टर एंड प्रोड्यूसेस द स्वीप सिग्नल, जो कैपेसिटर है बेसिकली हमारा, उसको हम चार्ज कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द रेजिस्टर हम चार्ज करते हैं, ताकि हमारे पास एक स्वीप सिग्नल क्या हो जाए, प्रोड्यूस हो। कैपेसिटर हमारा रजिस्टर की मदद से क्या होता है, चार्ज होता है, तो ताकि हमारे स्वीप सिग्नल क्या हो, जनरेट हो, तो एक वेवफॉर्म बनेगी, उससे क्या होगा हमारा एक एक्सपोनेंशियल जो कैपेसिटर होगा ना, वो एक्सपोनेंशियली चार्ज करेगा। आई होप आप लोगों ने वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखी होंगी जब हमारा एक्सपोनेंशियल चार्जिंग डिस्चार्जिंग वो प्रोसेस होते थे। तो इसकी एग्जांपल है यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ये एक टाइप का ऑसिलेटर है, इसमें जो वेवफॉर्म जनरेट होती है ना वो किस वाया होती है, कैपेसिटर चार्ज जो होता है एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है, तो उसके अल्टीमेटली जो लास्ट मतलब जो इसकी आउटपुट वोल्टेज जो ये करता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्वीप सिग्नल जनरेट होती है। तो ये चीज हमको याद रखनी है। देन नेक्स्ट इज मिलर इंटीग्रेशन। अब मिलर इंटीग्रेशन क्या है, मिलर इंटीग्रेशन में होता क्या है, ये एक ऐसा सर्किट है जो कन्वर्ट करता है स्टेप सिग्नल इंटू रैंप सिग्नल। देखो स्टेप सिग्नल इंटू रैंप सिग्नल, जो स्टेप सिग्नल है बेसिकली ट्रिगर सर्किट प्रोड्यूस करेगा, जैसे साथ में लगा होता है, अब सीआरओ का एग्जांपल लेकर चलो, और जो हमारा रैंप सिग्नल है वो किसने जनरेट करना, हमारे स्वीप सिग्नल ने। तो वही अरेंजमेंट जब साथ में हो जाती है तो ये क्या कन्वर्ट करता है, स्टेप सिग्नल को रैंप सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सो इसको बोलते हैं हम मिलर इंटीग्रेशन, जिसमें हम करते हैं यूज मिलर सर्किट, मिलर इंटीग्रेशन एंड वी यूज मिलर सर्किट विच इज यूज टू कन्वर्ट द स्टेप सिग्नल इंटू रैंप सिग्नल। द थर्ड वन इज बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप में क्या होता है,
कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है एक रेजिस्टर के अक्रॉस में विल एक्ट एज अ कांस्टेंट करंट सोर्स फॉर द कैपेसिटर चार्जिंग. एक रेजिस्टर जिसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो एक कांस्टेंट करंट की तरह बिहेव करे, मतलब जो रेजिस्टर है उसकी जितनी उसके आगे पीछे जितना भी वोल्टेज है वो एज अ कांस्टेंट करंट, मीन जब एक कांस्टेंट लेवल पे करंट उस पे सप्लाई हो इस तरीके से वोल्टेज ड्रॉप भी सेटअप हो जाए, तो जो कैपेसिटर की चार्जिंग है ना वो पॉसिबल हो पाए. तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप. फॉर एग्जाम्पल इसका जैसे बूटस्ट्रैप टाइम बेस्ड जनरेटर, ये याद रखना है आपको, पढ़ना नहीं है इसके बारे में. एक बूटस्ट्रैप टाइम बेस्ड जनरेटर्स होते हैं, उसमें ये सब चीजें पॉसिबल है कि जब रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है वो क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है. फिर एक कॉन्स्टेंट करंट जैसे मतलब कॉन्स्टेंट करंट एक प्रोड्यूस होती है अराउंड दी सर्किट. सो फिर हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर की चार्जिंग है वो भी एक कांस्टेंट ही प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप, वो बेसिकली होता है बूटस्ट्रैप टाइम बेस्ड जनरेटर में. देन हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट करंट चार्जिंग. ठीक है, यहाँ पे जो कैपेसिटर है लीनियरली चार्ज होता है. आप ये देखना हम कैपेसिटर को ही लेके चीजों से बात कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए कैपेसिटर इम्पोर्टेंट है इस सर्किट के लिए. सो ये कैपेसिटर इज लीनियरली चार्ज विद द कांस्टेंट करंट सोर्स, एग्जांपल करंट टाइम बेस्ड जनरेटर. इनके बस एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, इनके सर्किट्स याद रखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर जो कैपेसिटर है लीनियरली चार्ज होता है विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट करंट सोर्स. अगर उसको कांस्टेंट करंट सोर्स प्रोवाइड हो रहा है देन द कैपेसिटर इज चार्जिंग लीनियरली. ठीक है, तो ये सब चीजें थी आपकी आज की, जो मतलब एक टॉपिक आपका रह गया तो वो मैंने करा दिया. स्वीप जनरेटर जिसको टाइम बेस जनरेटर बोलते हैं, ये कैसे क्या प्रोड्यूस करता है, लीनियर आउटपुट वोल्टेज. अगर आउटपुट भी करंट मतलब टाइम आउटपुट भी होगी लीनियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों मतलब लीनियर वोल्टेज और करंट भी. सो हमारे बेसिकली सीआरओस में हमने देखा था, टीवी रिसीवर्स में भी होता है इस तरीके से. जो हमारी वेवफॉर्म है वो बनती है, मैंने बताया कैसे इंक्रीज करता है अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू, वीएम बोलते हैं. उसके बाद जो ये पूरा टाइम पीरियड होता है उसको स्वीप टाइम बोलते हैं. देन सिग्नल डिक्रीज करता है अपनी वैल्यू, जो डिक्रीज टाइम होता है उसको रेस्टोरेशन टाइम बोलते हैं. देन अगेन इंक्रीज, एक शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म बन रही है. ठीक है, टोटल टाइम इज इक्वल टू स्वीप टाइम प्लस रेस्टोरेशन टाइम. देन टाइप्स ऑफ स्वीप सर्किट्स पढ़े हमने, दो टाइप के होते हैं, एक ट्रिगर के साथ होता है, एक ट्रिगर के विदाउट होता है. फिर मेथड पढ़े चार, कैसे कैसे हम लोगों ने देखा ये पॉसिबल है सिग्नल को इस तरीके से जनरेट करना. सो